हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड कोको ड्रिंक, या फिर कोको शेक कह सकते हैं, या फिर हम इसे चॉकलेट शेक भी कह सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है, आप इसे ठंडा या गर्म कैसे भी पी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये बनाने के लिए दूध चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ दूध लेंगे। ये दूध मैंने आधा लीटर के करीब लिया है। अब हम इसे गर्म कर लेंगे। ये जो हमारा दूध है ये थोड़ा गुनगुना सा हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के एक बोल में डालेंगे। और जो ये बचा हुआ दूध है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे गर्म होने के लिए। और ये जो हमने बोल में निकाला है दूध, उसके अंदर हम डालेंगे, ये जो हमारा मिश्रण है ये हम उसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर है कोको पाउडर, कॉर्न स्टार्च और शुगर। इन चीज़ों को हम, ये जो हमारा दूध हमने रखा है यहाँ पे, इसके अंदर ऐड करके एक घोल बनाएंगे। आप इसकी जगह अलग अलग भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आपके पास कोको पाउडर है, शुगर तो होगा ही घर में आपके, और कॉर्न स्टार्च है, तो आप क्या करिएगा कि आधे लीटर दूध में 2 चम्मच कोको पाउडर लीजिएगा, 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 4 से 5 चम्मच शुगर लीजिएगा। उसका घोल बना के आप उसे दूध में डाल लीजिएगा और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम जो दूध उबालने के लिए हमने रखा था उसमें हम इसे ऐड करेंगे। दूध ये देखिए हमारा गर्म हो गया है, अभी इसमें उबाल नहीं आया है। अभी हम इसके अंदर जो हमने अभी मिश्रण रेडी किया था वो हम ऐड करेंगे। एक हाथ से हिलाते रहेंगे और एक हाथ से धीरे धीरे इसे डालेंगे। सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब हम हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा, एक जगह जो हमारा कॉर्न स्टार्च है और जो कोको पाउडर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, नीचे जम जाएगा। इसलिए हमें इसे हिलाते रहना है और तब तक हिलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, ये उबलना शुरू ना हो जाए। और आप देख पा रहे होंगे ये उबलना शुरू हो गया है, पहले से गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट और फिर हम इसे उबालेंगे जब तक जो हमारी चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और ये देखिए जो हमारी चॉकलेट है वो मेल्ट हो गई है और ये पहले से गाढ़ा भी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम इसमें रख देंगे 5 मिनट ठंडा होने के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए। 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का छोटा वाला जार लेंगे, उसके अंदर ये आइस डालेंगे, इसे हम क्रश करेंगे। ये क्रश हो गया है, आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमें करना है। अब हम 2 ग्लास लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये चॉकलेट है, मेल्टेड चॉकलेट है, वो हम इसके अंदर इस तरीके से ग्लास में डालेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले ग्लास में भी करेंगे। इससे क्या होगा कि जो कोको ड्रिंक है वो देखने में थोड़ा बढ़िया लगेगा। दोनों ग्लास में हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आइस थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। और जो कोको ड्रिंक है वो हम इसके अंदर डालेंगे। ये ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो गया है ये। अब हम इसके ऊपर आइसक्रीम डालेंगे। आप बिना आइसक्रीम के भी पी सकते हैं, आइसक्रीम डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और इसके ऊपर हम कुछ रेनबो स्प्रिंकल्स डालेंगे या चॉकलेट भी डाल सकते हैं। और जो दूसरा है ग्लास, इसमें हम सिर्फ चॉकलेट डाल रहे हैं ग्रेट करके। आप ऐसे भी पी सकते हैं या आइसक्रीम डाल के भी पी सकते हैं, दोनों तरीके से आप पीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है ये। आप इसे गर्म या ठंडा किसी भी तरीके से पी सकते हैं। और ये रेडी हो गया है, बहुत ही बढ़िया लगता है ये, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें।